सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वैट कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखें, एक मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल हो रही है, उसके ऊपर गवर्नमेंट एक परसेंटेज सेट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब जितनी भी प्रोडक्ट कंट्री के अंदर, एक मुल्क के अंदर विद इन बाउंड्रीज सेल होंगी, जो भी सर्विसेज प्रोडक्ट, उसके ऊपर एक अमाउंट सेट कर दी जाती है, जितनी उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू है उसके मुताबिक उसकी कुछ परसेंटेज होती है टैक्स की, वो लगा दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। और वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लाइक जो लोग इसको पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे। डायरेक्टली मतलब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, घर हो गया, लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, कोई पर्सनल एसेट होगी, कार वगैरह होगी, उसके ऊपर जो आपको टैक्स पड़ता है ना, वो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। पर ये जो वैट का टैक्स होता है ना, ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। लाइक कंपनी ने प्रोडक्ट बनाई, कोई खाने पीने वाली, लाइक शुगर ले लें, लाइक कोई आटा ले लें, फ्लोर ले लें, कोई टी ले लें, पत्ती ले लें, तो ये चीजें क्या है, बना के कंपनी जो है ज्यादा सी वो मार्केट में होलसेलर को देगी, वो आगे रिटेलर को, और रिटेलर जो है ना वो फिर कस्टमर को देंगे। तो आखिर पे प्रोडक्ट किसके पास पहुंची, कस्टमर के पास। तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर, लाइक अगर 100 रुपए की प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है रिटेलर शॉप वाला, तो उसके अंदर 10 रुपए वैल्यू एडेड टैक्स भी है। तो भी दुकान वाले ने 100 रुपए की सेल करनी है, जो खरीदार है कस्टमर है उसने 100 रुपए की खरीदनी है, तो जो कस्टमर है वो टैक्स दे रहा है। तो इसका मतलब घूम के होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी, आखिर में टैक्स जो है ना, कंपनी, गवर्नमेंट डायरेक्ट कंपनी को कहती है कि आप हमें टैक्स दें, क्योंकि वो देखती है कितनी प्रोडक्ट बनी है। लाइक 1000 प्रोडक्ट बन के इन्होंने मार्केट में बेची है, तो वो कहती है 1000 प्रोडक्ट के आप जितना टैक्स बनता है वो वैट हमें दे दें। वो डायरेक्टली अभी गवर्नमेंट एक एक कस्टमर के पास तो नहीं ना जाएगी, उसको बोलेगी हाँ आपने इतनी प्रोडक्ट खरीदी है, हमें 10 रुपए हमारे अकाउंट में टैक्स ट्रांसफर करने, तो वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, जो कस्टमर से आता है डिफरेंट प्रोसीजर से गुजर के, डायरेक्टली कस्टमर गवर्नमेंट को नहीं देता। और ये अभी बात आ रही थी कि वैल्यू एडेड टैक्स गवर्नमेंट लेती क्यों, गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है। गवर्नमेंट एज अ अपना रेवेन्यू, गवर्नमेंट ने अपना सर्किट भी तो चलाना होता है ना। लाइक गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, अपने जो इम्प्लॉयज हैं, पुलिस होगी, आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी, इंटरनेशनल प्लेयर हो गए क्रिकेट के, हॉकी के, तो उनको सैलरी भी तो देनी होती है ना गवर्नमेंट ने। अपने जो ऑपरेशंस हैं कंट्री के अंदर उसको रन करना होता है, तो उसको पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, तो वो एज अ वैल्यू एडेड टैक्स लगा के कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेती है और इससे काम चलाती है। और सम टाइम इस तरह भी होता है, गवर्नमेंट के पास पैसे भी होते हैं, पर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत नहीं भी होती, फिर भी गवर्नमेंट वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है। अभी आप सोचेंगे क्यों, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा ज्यादा आ जाता है, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है और गवर्नमेंट को नजर आ रहा होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम रह गए हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स लगा देती है। क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, लोगों को पता लगेगा कि वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो डिमांड कम कर देंगे, चीजें कम खरीदना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से कंजम्पशन, चीजों का इस्तेमाल कम करेंगे, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सकेंगे। इस तरह अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, वो ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे, जिससे एक टाइम आएगा कि सारे रिसोर्सेज जो हैं कंट्री के अंदर वो खत्म हो जाएंगे, तो ये नुकसान होता है। तो जो गवर्नमेंट है इसलिए भी टैक्स लगाती है, डिफ्लेशन वगैरह, मतलब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देती है ताकि लोगों के पास जो है पैसा कम हो जाए। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और एक और चीज आपको बता दूं, जो वैल्यू एडेड टैक्स है ना वो खत्म हो रहा है और वो जीएसटी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आप एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर सेल टैक्स भी होता है, वैल्यू एडेड टैक्स भी होता है, एक्साइज टैक्स भी होता है, तो काफी कंट्री जो है, काफी लोग जो है ना, इन तीनों को कंबाइन करके एक जीएसटी टैक्स लगा रहे हैं। जीएसटी जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसके अंदर मतलब इन सारों का कंबाइन जितना टैक्स बनता है वो एक ही टैक्स, उसका नाम होगा जीएसटी। तो ये इसलिए इसको खत्म किया जा रहा है, ये जीएसटी के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। तो काफी कंट्री अभी इसको अप्लाई भी कर रही है और काफी कंट्री जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता मतलब डेवलपिंग हो रहा है, जीएसटी में ये कन्वर्ट हो रहा है। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।